सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, यानी कि 9th और 11th क्लास की। गाइज 10th 12th की बात सब कर रहे हैं, लेकिन भाई 9th और 11th के स्टूडेंट भी तो स्टूडेंट हैं या नहीं है। सो गाइज बात करते हैं 9th और 11th क्लास के एग्जाम्स कब से हो सकते हैं और उनकी डेट शीट है वो कब तक आएगी। तो देखो यार, कल जो है हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की जो डेट शीट है वो जारी कर दी। 30 मार्च से उनके पेपर स्टार्ट करने हैं जो यहाँ पर निश्चित किए हैं, ठीक है। यानी कि 30 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक, यानी कि पूरे एक महीने तक उनके पेपर चलने वाले हैं। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें 9th 11th का बताओ, 10th 12th का क्यों बता रहे हो। तो देखो यार, हरियाणा बोर्ड ही जो है हरियाणा HBSC बोर्ड की 9th टू 12th क्लास को हैंडल करता है, ठीक है। सो गाइस जो खबर निकल के आ रही थी वो ये आ रही थी, यहाँ पर आप लास्ट लाइन देखिए, वहीं 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से संभावित। यानी कि 9वीं और 11वीं के जो एग्जाम है वो 16 मार्च से बताए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर ये कटिंग आई थी कि 9वीं और 11वीं के जो एग्जाम्स हैं वो 16 मार्च से हो सकते हैं हरियाणा बोर्ड के, ठीक है। CBSE के 10 मार्च से हैं, लेकिन हरियाणा बोर्ड के 16 मार्च से हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस कहीं ना कहीं मार्च के मिड के आसपास, यानी कि 16 मार्च के आसपास आपके एग्जाम हो सकते हैं। ये तो हो गई एग्जाम की डेट की बात। अब बात करते हैं डेट शीट कब तक आएगी। तो गाइस आपकी डेट शीट भी जो है यहाँ पर बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। जो इन्फॉर्मेशन आई है, एक दो दिन के अंदर आपकी भी डेट शीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने अब जो है 10th 12th का तो कर दिया काम, अब आपके ऊपर ही है पूरा फोकस। तो आपकी भी डेट शीट बहुत जल्दी है जो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही रिलीज होगी गाइज आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल की वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइज 9th और 11th के स्टूडेंट हैं, एक बार कमेंट जरूर कर दें कि भाई उनके लिए जो है प्रॉपर अपडेट्स आती रहेंगी। तो गाइज एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दे। और यार विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आप सभी के एग्जाम बिल्कुल अच्छे जाएंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे उसके ऊपर जो है अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आई है। जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।